छत्तीसगढ़ में एएसआई की पत्नी बेटी के हत्यारे के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने गोदाम भी टूटे। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला दिया है। पुराना बाजार पारा स्थित मकान पर बुलडोजर चला है। यह मकान सरकारी जमीन पर बना था। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व विभाग का अमला तैनात किया गया। आरोपी कुलदीप साहू ने 13 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। रोड के भाग पर अतिक्रमण था, जिसमें मुख्य रूप से कचरा पड़ा हुआ था और कुछ सामान इनका था जो कि रद्दी सामान था, तो उसको हटाने का बाउंड्री वॉल में इनका अतिक्रमण था, उसको तोड़ने की कार्रवाई होती है पालिका के माध्यम से, जिसमें वन ऑर्डर हमारे द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। और अभी तो केवल यही हो रहा है और बाकी कहीं होगा तो फिर जो कर रहे होंगे वो सब लोग बता पाएंगे। सर आज यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो कितने घरों पे की जा रही है सर, कहाँ कहाँ पे की जा रही है और किसके घर पे की जा रही है? यहाँ 3 जगहों पर जो बेजा कब्जा के मकान हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाया गया है। सर ये जो कुलदीप साहू है उसके घर को बताया जा रहा है, उसके घर पे कार्रवाई की जा रही है। 3 स्थान है, उसका मकान भी उसमें शामिल है और उसमें जो भी अतिक्रमण की जगह है उसमें तोड़ने की कार्रवाई संबंधित विभाग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।